हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीबीए ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में वीबीए के फॉर ईच लूप को सीखेंगे। जब हमको किसी एरे या कलेक्शन के हर आइटम के लिए कोई पर्टिकुलर कोड रन करना हो, तब हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। मतलब कि अगर हम समझे कि एक एक्सेल में हमारे पास सीट्स है, हर सीट का हमें कलर चेंज करना है या हर सीट को डिलीट करना है, हाइट करना है, अनहाइट करना है, सो हम फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। हमारी एक रेंज है A1 से A10 तक, उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, उसका हर सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है अलग अलग, तो हम फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। हम लिखते हैं फॉर ईच, उसके बाद लिखते हैं एक टेम्परेरी वेरिएबल का नाम इन, और इसके बाद हम लिखते हैं एरे या हमारे कलेक्शन का नाम, और फिर इसकी बॉडी स्टार्ट होती है जिसमें जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो वो कोड इसके अंदर आता है, और सबसे लास्ट में इसको नेक्स्ट लिखते हैं, और नेक्स्ट के बाद हम जो हमारा वेरिएबल था जिसमें टेम्परेरी हर इटरेशन पर वैल्यू स्टोर होने वाली है उसका नाम लिखते हैं। अब हम चलते हैं अपने वीबी एडिटर पर और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू फॉर ईच लूप को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम बनाते हैं एक मैक्रो, मैक्रो का नाम रख लेते हैं फॉर ईच लूप, और सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एक एरे बनाएंगे जिसमें कुछ कलर के नेम हम स्टोर कराएंगे और फिर लूप में एक एक एरे के आइटम को मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा रहे होंगे। तो सबसे पहले मुझको एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, तो हम एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लिखते हैं डिम कलर्स एज वेरिएंट। जब हम एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे दो हम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस लगाते हैं। एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें कलर का नेम टेम्परेरी स्टोर होगा, डिम एच वेरिएंट। एक बात याद रखने वाली है, जो हमारा एरे का डेटा टाइप है और हमारे टेम्परेरी वेरिएबल का डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर दोनों का डेटा टाइप हमने वेरिएंट लिया है। अब एरे में कुछ वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, लिखते हैं कलर्स इक्वल टू एरे फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पर, और कलर के नेम इसमें 1x1 पास कर देते हैं। जैसे हम पास करते हैं रेड, कोमा लगा के दूसरी वैल्यू पास करते हैं ब्लैक, और तीसरा पिंक। तीन कलर हम यहाँ पर एरे में स्टोर करा लेते हैं। अब हम फॉर ईच लूप लगाते हैं, लिखते हैं फॉर ईच, टेम्परेरी वेरिएबल हमारा सी है, इन एरे है हमारा यहाँ पर कलर्स, और लास्ट में आ जाएगा नेक्स्ट सी। हमको क्या करना है, मैसेज बॉक्स में एरे के हर आइटम को प्रिंट कराना है, तो लिख लेते हैं मैसेज बॉक्स सी। पहले ये समझते हैं कि ये लूप काम कैसे करेगा, उसके बाद इसको हम रन करते हैं। तो सबसे पहले जब ये लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले एरे जो है हमारा उसका फर्स्ट आइटम सी में स्टोर हो जाएगा, जो कि है हमारा रेड। तो सी में रेड स्टोर हो जाएगा और मैसेज बॉक्स में फिर सी मतलब रेड प्रिंट होगा, और ये चला जाएगा लास्ट में जिसपे है नेक्स्ट सी, मतलब कि उसके बाद ये एरे के नेक्स्ट आइटम पर मूव हो जाएगा जो कि है ब्लैक। तो सी में हमारा स्टोर होगा उसके बाद ब्लैक, और यहाँ पर मैसेज बॉक्स में ब्लैक प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये एरे के नेक्स्ट आइटम पर मूव होगा जो कि है पिंक। सी में स्टोर हो जाएगा पिंक, और पिंक मैसेज बॉक्स में हमारा प्रिंट होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट एरे के आइटम पर मूव होगा जो कि एरे में है नहीं, तो ये हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, और जैसे ही प्रेस किया तो एरे का पहला आइटम जो था वो मैसेज बॉक्स में प्रिंट हो गया जो कि रेड था। ओके करते हैं तो दूसरा आइटम यहाँ पर मैसेज बॉक्स में प्रिंट हो जाएगा, और फिर ओके करते हैं तो तीसरा आइटम आ जाएगा जो कि है पिंक। सिर्फ तीन ही आइटम है हमारे एरे में, तो जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो इस बार कोई मैसेज बॉक्स नहीं आएगा। जैसे ही ओके प्रेस किया कोई मैसेज बॉक्स नहीं आया। चलिए फॉर ईच लूप का एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये एक वर्कबुक है एक्सेल की जिसमें काफी सारे सीट्स हैं जिसमें फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं। सो हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप की हेल्प से इन सारी सीट के नेम उठा के पहली सीट के फर्स्ट कॉलम में एक के बाद एक राइट करते जाते हैं। सो चलते हैं वीबी एडिटर पर और एक नया मैक्रो बनाते हैं, लिखते हैं सब, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है सब रूटीन की, उसके आगे लिखते हैं सब रूटीन या अपने मैक्रो का नाम जो कि है फॉर ईच लूप टू। और फिर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम अपनी पहली सीट का ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहे हो।
एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें टेम्परेरी सीट के ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे, और एक इंडेक्स वेरिएबल चाहिए जिसमें हम अपने सेल की इंडेक्स 1x1 इंक्रीमेंट करा के एक सेल से दूसरे सेल में राइट करा रहे हो। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं वर्कशीट टाइप का। सो इसका नाम ले लेते हैं SHH वर्कशीट। इसमें हम टेम्परेरी सीट के ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहे होंगे। एक वेरिएबल बनाते हैं इंडेक्स के लिए जिसका नाम लिख लेते हैं IH इंटीजर। उसके बाद एक वेरिएबल बनाते हैं फर्स्ट सीट के ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए नाम लिख लेते हैं FSeatH वर्कशीट। और पहले सेल में ये वैल्यू राइट करें उसके लिए हम I में स्टोर कर लेते हैं 1, और अब लगाते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच टेम्परेरी वेरिएबल का नेम लिया हमने SH। उसके बाद लिखते हैं इन कीवर्ड, और अब हमको यहाँ पर देना है एक ऐसा कलेक्शन जिसमें हमारी वर्क सीट्स के सारे ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहे हो। तो ऐसा कलेक्शन हमारे पास होता है वर्क सीट्स टाइप का। सो हमको अपनी वर्क सीट का कलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे दिस वर्क बुक प्रॉपर्टी का और डॉट वर्क सीट्स, और लास्ट में यूज कर लेंगे नेक्स्ट SH। सो फर्स्ट सीट का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, इसके लिए यूज करते हैं एफ सीट वेरिएबल सेट एफ सीट इक्वल टू वर्क सीट्स, और इसमें पहली सीट का हम नाम पास कर लेते हैं जो कि है हमारा मैंगो। मैंगो को पास कर देते हैं यहाँ पर। अब हम इस सीट पे मतलब कि एफ सीट डॉट रेंज पहले कॉलम में वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे रेंज ए इंडेक्स वेरिएबल है हमारा आई डॉट वैल्यू इक्वल टू, और किसी वर्क सीट टाइप के ऑब्जेक्ट से उसका नाम निकालने के लिए सीट का हम यूज करते हैं नेम प्रॉपर्टी का। तो हम यूज कर लेंगे SH डॉट नेम। हम SH का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टेम्परेरी वैल्यू स्टोर होने वाली है वो SH वेरिएबल में होने वाली है। और उसके बाद ये नेक्स्ट सेल में राइट कराए तो इंडेक्स को हमें इंक्रीमेंट कराना होगा, तो हम कर लेते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1। सो अब ये क्या करेगा, वर्कशीट्स कलेक्शन से सारे सीट के ऑब्जेक्ट 1x1 टेम्परेरी स्टोर होते रहेंगे SH में, और ये फिर राइट करता रहेगा पहले सीट के पहले कॉलम में 1x1। सो अगर इस मैक्रो को अब रन करते हैं, हम जाते हैं इस बटन पे और इसको क्लिक करते हैं और जाके देखते हैं अपनी एक्सेल की वर्कशीट में, तो जितनी भी मेरी सीट थी सारी सीट के नेम ये उठा के यहाँ पर इसने 1x1 राइट कर दिए है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फॉर ईच लूप या VBA से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमको मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।